अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ अदाकारा अतीका ओढ़ो की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में आपसे शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे है छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस। जी तो व्यूवर्स, एक्ट्रेस, मॉडल, मेज़बान, सोशल वर्कर, सियासतदान, अतीका ओढ़ो की शख्सियत के कई पहलू हैं। अतीका ओढ़ो ने कई दहाइयों तक शोबिज इंडस्ट्री पर राज किया है, लेकिन इनकी खूबसूरती और शख्सियत में मजीद निखार आता जा रहा है। अतीका ओढ़ो ना सिर्फ अदाकारी की वजह से जानी जाती हैं, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। पुरकशिश और पुरवकार पर्सनालिटी की मालिक अदाकारा अतीका ओढ़ो को भी पर्सनल लाइफ में बेहद मसाइल का सामना करना पड़ा। अतीका ओढ़ो 1969 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। ये एक जागीरदार घराना में पैदा हुई। इनकी परवरिश भी जागीरदारी निज़ाम के तहत हुई। इनको ज़िंदगी की हर आसाइश मुयसर थी, लेकिन अभी उम्र 15 साल भी नहीं हुई थी कि इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, क्योंकि जागीरदारी निज़ाम के तहत लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। लड़कियों को आज़ादी और ज़्यादा पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अतीका ओढ़ो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी और यह ज़बरदस्ती की शादी सिर्फ 6 साल बाद ही ख़त्म हो गई। इसके बाद इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। चूँकि अब अतीका ओढ़ो आज़ाद हो चुकी थी, लिहाजा 4 साल तक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों के साथ काम करती रहीं। इसी दौरान अनवर मकसूद की नज़र इन पर पड़ी और इन्हें एक्टिंग की तरफ ले आए। इनका पहला ड्रामा सितारा और मेहरुनिसा था। यह ड्रामा सुपर डुपर हिट ड्रामा साबित हुआ और इस ड्रामे से अतीका ओढ़ो को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने ड्रामा दस्तक में काम किया। यह ड्रामा भी बहुत मशहूर हुआ। ड्रामे में अतीका ओढ़ो के साथ नुमान एजाज थे। इन दोनों की जोड़ी को माजी में बेहद पसंद किया जाता था। इसके बाद इन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया और फिल्मों में भी एक्टिंग के जौहर दिखाए। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ शोज की मेज़बानी भी की। उम्र ढलने के साथ साथ अतीका ओढ़ो ने भी बड़ी उम्र वाले किरदार करने शुरू कर दिए। ये ज्यादातर अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से संजीदा और गुस्से वाले किरदार निभाती नजर आती हैं। मशहूर ड्रामों में नाजो, हमसफर और प्यार के सदके शामिल हैं। आजकल ड्रामा परदेश में, जो कि एआरवाई पर नशर हो रहा है, में शानदार एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। बस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम का आगाज करने वाली ये अदाकारा आज ओढ़ो कॉस्मेटिक और ओढ़ो प्रोडक्ट के नाम से कंपनियां चला रही हैं। 2011 में अतीका ओढ़ो ब्रोने मुल्क से 2 शराब की बोतलें लाती हुई पकड़ी गई और इसी सिलसिले में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 9 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और आखिर 2020 अगस्त के महीने में रावलपिंडी की अदालत में ये केस ख़त्म हुआ। अतीका ओढ़ो ने दूसरी शादी भी की, लेकिन बदकिस्मती से ये भी नाकाम हुई। अतीका ओढ़ो ने 2012 में समर अली खान, जो कि तरीके इंसाफ के एक अहम रुकन हैं, से शादी कर ली। अतीका ओढ़ो की तीसरी, जबकि इनके शोहर की दूसरी शादी है। अतीका ओढ़ो की दूसरी शादी जावेद अकवंत से हुई थी, जिनमें से इनकी एक बेटी भी है, जबकि इनकी तीसरी शादी समर अली खान से हुई है, जिनसे इनका एक बेटा और एक बेटी है। जी तो व्यूवर्स, आपको अदाकारा अतीका ओढ़ो की लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।